PTC Music Rising Star Awards 2024. दोस्तों आज माहौल इना म्यूजिकल बनया होया है ते मैनू भी अपनी एक फेवरेट रोमांटिक गजल दियां दो लाइना याद आ रही ने तो हाडे नाल शेयर कर दियां कि कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है ये हकीकत तो निगाहों से बयान होती है। बस जी मैनू इदा लगदा है कि जिहड़ी लैंग्वेज ऑफ लव है ना इस सब तो ज्यादा आइज दे थ्रू ही एक दूसरे तक पहुंचती है। बिल्कुल फ्रेंड्स भावे गल होए इस गीत फकत दी या फिर टू मून या फिर गुलाब या फिर इन्हां दे लेटेस्ट ट्रैक मोहब्बत की बरसात दी इना ही गीता ने मिलके बनाया है शिवम ग्रोवर नु राइजिंग स्टार रोमांटिक वीडियो हिंदी दा विनर। वी हैव विद अस राइजिंग स्टार रोमांटिक वीडियो हिंदी दे विनर शिवम ग्रोवर विद अस। शिवम वेलकम एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग दिस अवार्ड फकत दे लई। किदां दा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज माय फर्स्ट अवार्ड सो ऑब्वियसली फर्स्ट चीज हमेशा एक अलग ही एक्सपीरियंस होती है और हमेशा याद रहती है तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़े जिहड़े सारे गाने ने उन्हां दा फ्लेवर हमेशा ही थोड़ा सॉफ्ट एंड रोमांटिक रहा है। फकत गाना है जिहड़ा ओ किस तरह मतलब होंद विच आया है? हाउ डिड इट कम इनटू बीइंग? फकत की स्टोरी कुछ ऐसे थी कि हम सॉन्ग दिल को तेरी याद आई करके एक स्टार्ट कर रहे थे काम करना, तो जो इनके लिरिसिस्ट हैं रेहान उनके पास फकत भी एक सॉन्ग पड़ा था जिसकी उन्होंने मुझे दो लाइन सुनाई थी, तो तब से मैं उनके पीछे पड़ गया था कि मुझे ये गाना करना ही करना है। तो ऐसा हुआ कि हमने जिस सॉन्ग के लिए काम स्टार्ट किया था वो तो बाद में रिलीज हुआ, इस पे हमने पहले काम कर दिया और ये सॉन्ग हमने पहले रिलीज किया और सबको बहुत पसंद आया। तो जेड़ा ये जॉनर है रोमांटिक जॉनर ओदे विच भी तुसी बाय एक्सीडेंट ही आए हो या शुरू तो ही थोड़ा प्लान सीगा? बाय एक्सीडेंट ही कह सकते हैं क्योंकि जो मैंने स्टार्ट किया था मैंने पार्टी सॉन्ग से स्टार्ट किया था। मुझे रोमांटिक सॉन्ग्स कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही ना सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और कहीं ना कहीं वो वोकल टेक्सचर पे भी फिट आ गए, तो एक दो सॉन्ग्स गाए लाइक रिकॉर्ड किए थे डम्मीज बट जिन जिन को सुनाए सबने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस दिया तो अपने आप ही रिलीज करने पड़ गए क्योंकि सबके रिस्पांस बहुत अच्छे थे। राइट एंड रोमांटिक सॉन्ग्स एंड लाइक यू सेड कि तुसी पार्टी सॉन्ग्स तो यू नो शुरुआत की सी अपनी, हाउ इज़ इट डिफरेंट एंड हाउ डिड यू फील कि मतलब एक गाना करन तो बाद थोने दा लगा कि लाइक आई शुड गो ऑन दिस ट्रैक? देखो पार्टी सॉन्ग्स और रोमांटिक सॉन्ग्स ये दो चीज़ें इतनी ज़्यादा अलग है, इतनी ज़्यादा अलग है, सिर्फ सुनने में ही अलग नहीं है। लाइक अगर इसके बैकएंड पे जाया जाए इनके प्रमोशंस देखी जाए तो रोमांटिक सॉन्ग ऑडियंस के कान में डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि पार्टी सॉन्ग एक ऐसी चीज़ है उस पर आप रील्स के थ्रू ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो, रील्स पर आप डांस वीडियोज़ बनाओ कुछ भी कहो कैसे तैसे जल्दी आप लोगों तक पहुँचा सकते हो। बट रोमांटिक सॉन्ग ऐसा है कि लोग ऑलरेडी अपने फेवरेट आर्टिस्ट को ही सुनते हैं जैसे अरिजीत सिंह दर्शन रावल जो भी आपको पता है मेन रोमांटिक आर्टिस्ट है, तो एक नए आर्टिस्ट को इस लाइन में घुसना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ऑब्वियसली इट वाज अ चैलेंज बट वी टुक इट। राइट एंड तुसी प्लेबैक नहीं कर रहे हो, यू रिलीज अ म्यूजिक वीडियो विद इट है ना एंड फकत दी म्यूजिक वीडियो लिए ही थानू बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट किया जा रहा है, तो वो शूट करना यू ऑलरेडी आर अ सिंगर इन दैट पर उन्हें एक्ट भी करना एज अ मॉडल एज अ हीरो भी उस चीज़ के विच आना, हाउ डज दैट फील? एक्टिंग का तो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा कीड़ा था, सिर्फ मुझे ही नहीं मेरे घर वालों को भी बहुत ज़्यादा कीड़ा था। तो म्यूज़िक में मैं लेट आया हूँ, मैं उससे पहले डांसर था अपने स्कूल के टाइम में, तो मेरे को कैमरा फेस करना तो स्टार्टिंग से ही आता था प्लस शौक बहुत ज़्यादा था, तो स्टार्टिंग से हर अपने सॉन्ग में खुद ही एक्ट करा तो कम्फर्टेबल था, बढ़िया था, हाँ अच्छा था। ठीक है तो जिदा तुम क्या कि पेरेंट्स भी बहुत शौक है एक्टिंग का एंड थोड़े वालों कि वो आप आना चाहते एक्टिंग उन्हें अपने टाइम में शौक था खुद करने का right. तो उस टाइम पे इतनी चीज़ें नहीं थी ऑब्वियस सी बात है, तो ऑब्वियसली किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं हुई होती ना तो वो कोशिश करता है कि मेरे बेटा बेटी जो भी है उनके ऊपर वो चीज़ डालें है ना वो करें। तो बचपन से ही मेरी मॉम ने मुझे इतना ज़्यादा दिमाग में डाला हुआ था कि अगर तू पढ़ाई वाली लाइन में घुस गया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, जनरली उल्टा होता है, घर वाले कहते हैं IAS कर ले ये कर ले और बच्चे लड़ रहे होते हैं घर छोड़ के भागते हैं कि मुझे सिंगर बनना है मुझे एक्टर बनना है। मैं पढ़ाई में अच्छा था स्टार्टिंग से ही, मेरा ऐसा था कि 12th में भी मेरे 94% आए, मुझे DU में एडमिशन मिला, पढ़ाई में हमेशा से अच्छा रहा, CA की कोचिंग ली SSC की कोचिंग ली बट मैं एग्ज़ाम्स नहीं दिए मैंने कोचिंग पूरी लिया, क्यों? क्योंकि मेरे घर पे क्लेश हो जाता था हर बार, मम्मी कहती थी ये अगर एग्ज़ाम इस लड़के ने दिया तो ये पास हो जाएगा और ये CA बन जाएगा और ये मैं होने नहीं दूँगी। ओके
तो ऐसे म्यूजिक लाइन में मुझे ज़बरदस्ती डाला गया, बट उस पर रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि मुझे लगा कि ठीक है यार, मजे भी कर रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं, अपनी अपने शौक भी पूरे कर रहे हैं, मतलब करूँ पूरा सपोर्ट सिगा पूरा। एंड ते फिर म्यूजिक इंडस्ट्री जो आप आ जाइए ते उत्थे केड़े ऐसे कोई लोग हों जिन्हें थोनों इंस्पायर किता होवे या थोड़ा कोई आइडल होवे जिन्हें देख के तुसी क्या कि हाँ आई कैन ऑल्सो डू म्यूजिक। स्टार्टिंग में तो वन एंड ओनली हनी सिंह को देखते थे हम, स्कूल टाइम में देखते थे, उनके सॉन्ग्स आते थे तो तभी देख के लगता था कि यार इस वीडियो में मुझे होना है। ये जो प्रॉपर बहुत बड़ी ग्रैंड वीडियो है इसमें हनी सिंह खड़ा है, इसमें मैं खुद को मैनिफेस्ट करता था कि मैं हूँ यहाँ पर। बट सिर्फ वीडियो में ही नहीं, ऑडियो में भी मैं सोचता था कि ये म्यूज़िक कैसे बनेगा, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हूँ, इन सब सॉन्ग्स के म्यूज़िक भी मैंने ही करे हैं। तो तब से मेरा म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा शौक था, एट द सेम टाइम सिंगिंग में था, एट द सेम टाइम एक्टिंग में था, तो इन चीज़ों को मिलाकर स्टार्टिंग में इंस्पिरेशन मुझे हनी सिंह से मिली। So, Honey Singh is your idol and all. And future, तुसी उन्हें ना काम करना चाहोगे और जिदा तुसी क्या कि manifest किता होया। So, I hope that happens. थोड़ा हुन जिड़ा फकत तो बाद एक गाना नवा रिलीज होया, मोहब्बत की बरसात, right? मोहब्बत की बरसात। Can I please request कि जे तुसी फकत दिया सानू दो लाइना सुना दोगे थे? Sure. Yeah. वो मुझे ना मिले गम दिल को नहीं, बेसबब टूटा दिल दर्द कम तो नहीं, मुझे जीने की हसरत नहीं है मुझे उनसे अब मोहब्बत नहीं है करके मोहब्बत हमको मिला क्या है आशिकी फकत नाम की नहीं है सुबह मेरी शाम की। Thank you so much. Thank you and so it's much. Lovely. A very well-deserved award. And congratulations once again for it. Thank you so much for speaking to us. Thank you so much. Thank you so much, Team PTC, मुझे award देने के लिए. Love you so much. Thank you.